खुशामदीद मेरे चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि हम लोग की स्टडी दोबारा से शुरू हो गई है। 9th क्लास के पेपर हैं जुलाई में, 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो शायद ही मेरा पेपर तक आखिरी व्लॉग है या कोई डालती रहूँ आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि एक महीने में कोई ना कोई वीडियो डालती रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है सिस्टर की बर्थडे, तो उसकी बर्थडे के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो आज का मेन्यू है चावल, चना चाट, और मेन्यू की कुछ चीज़ें हम लोग लेके आए थे जो कि बने बनाए होती हैं, सिर्फ फ्राई करनी होती हैं वो। ठीक है जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे जो मेन्यू के हम लोगों ने फ्राई करने हैं, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, ये गोला कबाब है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाली प्लेट में गोला कबाब रखें, माइक्रोवेव को क्या लिखा हुआ है, डिफ्रस्ट मोड पर लाएं और 2 से 3 मिनट गर्म करें। उसके बाद देखा हुआ कि आपके माइक्रोवेव के मुताबिक पकाने का वक्त कम से ज़्यादा है। इन्होंने 2 चीज़ें दी हुई हैं, आप गर्म भी कर सकते हैं ओवन में, माइक्रोवेव में, या पका सकते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें पकाने में उन्होंने लिखा है कि पैन में थोड़ा सा तेल गर्म कर लें, और तेल गर्म करने के बाद गोला कबाब धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तैयार होने तक तल लें। इस दौरान इन्हें वक्फे वक्फे से पलटते रहें। खैर, हम लोगों ने कल रात को सालन के साथ, क्योंकि कल रात दाल पकी हुई थी, तो उसके साथ हम लोगों ने 3 पैकेट लेके आए थे। मुझे एक गोला कबाब, एक जो विंग्स होते हैं वो भी मैं आपको पैकेट दिखाती हूँ, एक विंग्स थे और तीसरा था कबाब। ठीक है, कबाब थे, टिक्के, हाँ कबाब थे, कबाब थे, लेकिन छोटे साइज़ में थे, क्योंकि बड़े साइज़ में भी अवेलेबल थे मेन्यू वालों के पास, लेकिन हम लोगों ने चेक करने के लिए छोटे वाले लिए थे। पर उसका जो पैक था ना वो 1400 का पड़ रहा था, मीन्स के 400 का। वो थोड़ा कॉस्टली था, थोड़ा महंगा था, लेकिन अगर आप लोग खुद से घर में लेके बनाए ना तो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है, और काफ़ी कम पैसों में काफ़ी ज़्यादा लोग खा भी सकते हैं उसको। तो उस हवाले से अभी हम लोगों ने फ्राई करके खाना है, अभी पता लगेगा, फ्राई करके खाना है फिर पता लगेगा कि ये कैसा है। लेकिन रात वाला तो ओके था, रात वाला काफ़ी अच्छा था, वो अच्छा लगा सब लोगों को। बाकी इसके अंदर 10 पीसेज हैं दूसरे वाले पैक के अंदर। इसको जब खोलेंगे तब हम गिनेंगे किसके अंदर कितने पीसेज हैं। ठीक है जी, जी मेन्यू का चिकन ट्यूलिप्स कह सकते हैं, या दूसरा जो हम खाते हैं ना चिकन, क्या उसको कहते हैं, विंग्स, एक ही चीज़ है ये, बस नेम चेंज किया हुआ है। ये हम लोगों ने खोल लिया इसके ऊपर वाला। अच्छा, इसके अंदर टोटल 10 पीसेज हैं, जो मैं आप लोग पिछले वाले का बता रही थी, इसके अंदर 10 पीसेज हैं टोटल। और बाकी हम फ्राई करके देखेंगे कैसा है। बाकी प्राइस मेरे ख्याल से ईच बॉक्स की, हर एक बॉक्स की वही है 400 और 380 ग्राम, और फिर वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पर, कढ़ाई में 150 तक लीटर तेल गर्म करें, चिकन ट्यूलिप्स को दरमियानी आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट या सुनहर अमाइल होने तक तल लें। अच्छा, ये इन्होंने बनाए हुए हैं, इसको तलना है, जो हमारे कल थे ना टिक्के वो उन्होंने बिल्कुल बनाए हुए थे, सिर्फ उनको गर्म करना था, लेकिन हम लोगों ने नॉर्मल फ्राई कर लिया था उनको। चलो खैर, अभी चेक करते हैं खा के जब ये बनेंगे, क्योंकि अभी चावल बन रहे हैं, तो चावल भी हमारे वही बन रहे हैं आज, जो कि ईद डे 2 हम लोगों ने ब्लॉग में बनाए थे ना, जो कि दावत प्रिपरेशन ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ पूरी उसकी रेसिपी शेयर की, वही वाले आज बन रहे हैं, और चना चाट बन रही है, उसके अलावा ये फ्राई करेंगे साथ। ठीक है जी, तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आप चलते हैं बाहर और देखते हैं जाके कितने चावल बन गए, कहीं मेरे कोई काम की जरूरत तो नहीं, वरना मैं हेल्प करवा दूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब बिरयानी की तैयारी शुरू हो गई है, बिरयानी के लिए सालन बना रहे हैं हम लोग, उसके बाद चावलों के लेयर लगाना स्टार्ट करेंगे। और जी यहाँ पर हम लोगों ने चावल भी उबाले हैं, चावल हम लोगों ने उबाले हैं, सेम वही तरीका है, उसी तरीके से हम लोग चावलों के लेयर लगाएंगे जैसे मैंने आप लोग के साथ दावत प्रिपरेशन ब्लॉग में शेयर किया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर सेम उस तरीके से, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि एक ही चीज़ मैंने कहा दोबारा नहीं रिकॉर्ड करूँ और दोबारा नहीं अपलोड करूँ, सेम ज़रा डिफरेंट कॉन्टेंट आप लोग के लिए बनाऊँ। तो वैसे ही हम लोगों ने हिलाया, पिछली बार हिलाया नहीं था, इस पर हम लोगों ने ना हिलाया है, और ऊपर हल्का सा हम लोगों ने बिल्कुल 3-4 कतरे रंग डाला था, इस पर रंग थोड़ा डाला था, बनी बहुत मजे की थी माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो जो दावत प्रिपरेशन व्लॉग है ना उसका लिंक मैं दे देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग टच करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगी। ठीक है, तो मैं दावत प्रिपरेशन व्लॉग का लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग टच कीजिएगा उसको, आप लोग व्लॉग देख लीजिएगा, उसमें रेसिपी है शीर खुरमे की भी है, और लेयर चावल जो कि आज भर रहे हैं उसकी भी रेसिपी है। ठीक है जी, और सलाद रायता जो हम लोगों ने बनाया था सारा कुछ उस व्लॉग में। ठीक है जी, मैंने बना लिया, मैंने मटकी में रायता बना के रखा है, टेस्ट बहुत अच्छा था, और प्लेटें भी रखनी है, बाकी सब कुछ हो गया, बाकी अभी वो फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारी फ्राई की तेज स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर हम लोग गोला कबाब फ्राई कर रहे थे, और साथ विंग्स जिनको ट्यूलिप्स का है इन्होंने, चिकन ट्यूलिप्स। ठीक है जी, और साथ हम लोगों ने चना चाट बनाई थी, तो जो पट्टियाँ होती हैं ना
रोल की या समोसे की वो हम लोग फ्राई कर रहे थे एज ए पापड़। ठीक है, यहाँ पर जो चना चाट और साथ इमली भी तैयार थी हमारी, उसको ठंडा होने रखना था और साथ हमारे सैलेड भी कट चुका था, जो कि मेरी बहन कह रही थी कि मेरे लिए अलग से पिक्स खींचो स्टेटस के लिए, तो मैं कह रही थी खुद करो अपना काम। अच्छा जी, तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर तीन चार पट्टियों को अलग-अलग कर रही थी पापड़ी के लिए। हाफ हाफ हम इनको काट लेंगे तीन हिस्सों में, और उसके बाद छोटे छोटे या बड़े बड़े टुकड़ों में इनको हम फ्राई कर लेंगे एज अ पापड़ी। अच्छा जी, तो अब हमारा खाना तैयार हो गया माशाल्लाह से। हमारे पास गोला कबाब थे जो कि हम लोगों ने फ्राई किए थे, पापड़ी थी, चावल थे, सलाद था, रायता था साथ, और विंग्स थे जिनको चिकन ट्यूलिप्स भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हम लोगों ने अपने अपने प्लेट्स की बना के तस्वीर ली थी। आगे की तस्वीर में आप लोग देखेंगे जी, हम लोगों ने पूरा टेबल सेट किया था माशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसी हमारे रिस्क में बरकत डाले, ठीक है, सबके रिस्क में बरकत डाले। और ये फ्रूट चाट थी, साथ ही चटनी भी बनाई थी हम लोगों ने, और ये सारा था। ठीक है जी, अब आप लोग आगे की वीडियो देखें और इन्जॉय करें। लोग के साथ जो व्लॉग के स्टार्ट में शेयर किया कि हम लोगों ने मेन्यू के हम लोगों ने मंगवाए थे टिक्का, सेकंड था गोला कबाब, थर्ड था चिकन ट्यूलिप्स जो कि विंग्स भी कहते हैं, एक ही चीज़ है लेकिन उन्होंने नाम चेंज किया, स्पेशली मारे हुए हैं। ठीक है, तीन चीज़ें। अच्छा, अब इनका हम लोगों ने चेक किया है, आज खाया है, एक कल ट्राई किया था, दो चीज़ें आज बिरयानी के साथ ट्राई की हैं, तो उनका जो रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैं फटाफट से। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं रिव्यू। सबसे पहले जो टिक्का कबाब था रिकमेंडेड है, बिकॉज वो बहुत अच्छा था, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने स्मॉल साइज में मंगवाए थे क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट करना था। ठीक है, आप लोग बिग साइज में ले लीजिएगा, क्योंकि हमने कहा बिग साइज में हम लोग ले, ये नहीं हम लोगों को पसंद ही नहीं आए, चीज़ कॉस्टली भी थी और ज़ाया भी हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने छोटे साइज में लिए थे, इतने से बिल्कुल। ठीक है, और अच्छे थे, रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड में अपनी ना रिव्यू या रिकमेंडेशन इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों ने अगर लेना हो तो आप लोग के लिए आसानी हो जाए, आप लोगों को ये नहीं हो कि कॉस्टली भी है और ये नहीं हम लोग ले और हम लोग पसंद नहीं आए, पैसे ज़ाया हो जाए, क्योंकि पैसा अगर आ जाए तो उसको वो कहते हैं फजूल ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को फर्स्ट का रिव्यू दे दी कि टिक्का है जो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से रिकमेंडेड है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, गुड है, और मेरे बुक पसंद भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं रिकमेंडेड दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है तो इसलिए मैं दे रही हूँ। ठीक है जी, टिक्का जो है हमारी तरफ से कबाब, टिक्के में कह रही हूँ सॉरी कबाब, वो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। अब जी सेकंड चीज, गोला कबाब। गोला कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा था, उसके अंदर चिकन डाला हुआ था, वो इतनी हार्ड हार्ड सी चीज़ आती थी, वो खाने में बहुत मज़े की लग रही थी। हम लोगों ने बिरयानी के साथ खाई थी, सारा रायता और सैलड थी और साथ मिलकर वो बहुत कमाल का लग रहा था, तो गोला कबाब भी मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। बाकी आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग में स्टार्ट में शेयर किया है कि आप लोगों को अगर फ्राई पैन में उसको ओवन करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि ओवन में गर्म नहीं करते चीज़ें, वो चूल्हे पर ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको होता है कि ओवन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन्होंने दोनों तरीके में बताया हुआ कि आप लोग किस तरीके से गर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है जी, जी फर्स्ट टिक्का वाला जो है मेन्यू का वो 400 का है। ठीक है, कॉस्टली है लेकिन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम घर में लेके बनाए गोश्त वगैरह या चिकन तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो अमाउंट बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, काफ़ी लोग खा भी सकते हैं उसको, यानी कि दो तीन दिन आपके घर में आराम से चल सकता है अगर आप लोग ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसकी जगह आप लोग ये देखें कि हम जो मेन्यू वालों के हैं 400 पैक में तकरीबन मेरे ख्याल से पीसीस कितने थे, पीसीस मैंने गिने नहीं लेकिन इतने थे कि हम लोगों ने, हम 6-7 जनों ने आराम से खा लिए थे,
ठीक है, लेकिन देखा जाए तो वो कॉस्टली है, ठीक है, कॉस्टली पड़ता है वो। गोला कबाब सेकंड प्रोडक्ट है जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मेरे अब्बू को बहुत पसंद आया, ठीक है जी, तो वो रिकमेंडेड है। अब चलते हैं जी थर्ड चीज की तरफ, चिकन ट्यूलिप्स। चिकन ट्यूलिप्स मीन्स के विंग्स। अच्छा, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, मैंने उसकी एक बाइट ली है, सेकंड बाइट ली है, मैंने पहले ही बता दिया, मतलब सर खाना वगैरह बैठे खा रहे थे, मैंने बता दिया था कि मुझे ये पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि एक तो उसके ऊपर वो जो क्रंची क्रंची चीज होती है ना, वो ऐसे थे जैसे पड़ी पड़ी ना फिस गई, मतलब अजीब सी हो गई थी, उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा था, वो फुल क्रंची वाली चीज आती है ना, अगर आप लोग किसी नॉर्मल स्टोर से बाजार से भी ले तो वो बड़ी मजेदार सी क्रंची चीज आ रही होती है, वो उसके अंदर आ ही नहीं रही थी। वो जब ठंडा था ना फ्रीज, क्योंकि अब रात को लेके आए थे और हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था, ठीक है, सुबह दोपहर टाइम दिख रहा, अब दोपहर टाइम हम लोगों ने उसको फ्रीज करके खाया, तो वो ना अजीब सी ऊपर उसकी ना चीज हुई हुई थी, जब हम लोगों ने उसको फ्राई किया है, बहुत तेज बोल रही हूँ, जब हम लोगों ने उसको फ्राई किया है तब क्या हुआ है जी, हम लोगों ने उसका फ्राई किया है तो बड़ी अजीब सी चीज उसके ऊपर आई हुई थी, तो वो नॉन रिकमेंडेड है, ना मेरे अबू को पसंद आया ना किसी और को, तो इसलिए वो नॉन रिकमेंडेड है, बिकॉज मुझे भी पसंद नहीं आया, ठीक है जी। तो ये तीनों चीजें थी जिनकी मैंने रिकमेंडेशन नॉन रिकमेंडेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो जी उम्मीद है आप सब लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया उसको मस्त लाइक करना है, कॉमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, जल्दी से मेरे 40 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने बहुत जल्दी कम्प्लीट करवा दिए, इसका बहुत शुक्रिया सब लोगों का। अब जल्दी से मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें, ठीक है जी। और मेरे पेपर्स होने वाले हैं, 20 जुलाई से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, मई का महीना चल रहा है, तकरीबन एंड होने वाला है, तो मैं एक मिनट अभी डेट देख लूँ, अभी चल रही है 21 मई, तो 20 जुलाई से मेरे पेपर स्टार्ट है, शायद हो सकता है मैं इसके बाद कोई ब्लॉग डालूँ या नहीं डालूँ, अगर कोई अच्छा कॉन्टेंट हुआ मेरे पास और मेरा दिल किया तो मैं बना दूंगी, ठीक है जी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप सब लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया उसमें मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।